हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध, विरोध ने बढ़ाई प्रत्याशियों की परेशानी। अब बीजेपी खेलेगी कौन सा नया दांव? दंगल की धरती हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर एक नए तरह का दंगल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हरियाणा की 10 सीटों के लिए जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तब से वे अपने लोकसभा चुनावों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच इन्हें नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये प्रत्याशी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, ग्रामीण इनके विरोध में उतर आते हैं। और ये सिर्फ एक या दो प्रत्याशियों के साथ नहीं हुआ, बल्कि कई प्रत्याशी लोगों का गुस्सा झेल चुके हैं। फिलहाल की बात करें तो फतेहाबाद में सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर लोगों के कोप का शिकार बन गए। फतेहाबाद की तीनों विधानसभाओं में किसान संगठनों ने उनका विरोध किया। वे जिस भी गांव में जाते हैं, लोग काले झंडे लेकर विरोध में उतर आते हैं। विरोध का सामना करने वाले बीजेपी प्रत्याशियों में रंजीत चौटाला और मोहनलाल बड़ौली भी शामिल है। जींद के नंदगढ़ गांव में मोहनलाल बड़ौली से गांव वालों ने रोजगार, किसान की आय और कर्ज माफी से जुड़े सवाल पूछे तो वे भाग खड़े हुए। रंजीत चौटाला को बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया है। वहीं मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी ने सोनीपत लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह प्रचार करने अग्रोहा खंड के गांवों में गए थे, जहां गांव श्याम सुख में युवा किसानों ने उन्हें रोक लिया और सवाल जवाब किए। किसानों ने कहा कि जब वे लोग फसल बीमा के क्लेम लेने के लिए लघु सचिवालय के बाहर बैठे थे, तब रणजीत सिंह साथ देने क्यों नहीं आए। साथ ही ये भी पूछा कि जब किसानों पर करनाल, कैथल और हिसार में लाठीचार्ज किया गया था, तब रणजीत सिंह ने विरोध क्यों नहीं किया। इनसे पहले बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी लोगों की नाराजगी सहनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, गुस्साए किसानों ने हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी नहीं बख्शा। नारनौंद के दौरे पर आए दुष्यंत चौटाला का गांव नाड़ा और गमड़ा में विरोध हुआ। लोग उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए और काले झंडे दिखाए। बताया जा रहा है कि लोगों की नाराजगी की वजह किसानों की अनदेखी है। लोगों का आरोप है कि किसानों को फसल का बीमा नहीं मिला, योजनाओं का सही लाभ नहीं मिला, सही वक्त पर बिजली नहीं मिली, जिससे उनकी फसल को नुकसान हुआ है। और जब इसका विरोध किया तो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी हरियाणा में विरोध का सामना कर रहे हैं, और अगर यही सब चलता रहा तो बीजेपी के लिए बात चिंता की है, मंथन की है, मनन की है कि कमी कहां रह गई है और उसे कैसे इसे जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है, ताकि हरियाणा में बीजेपी की बादशाहत कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।